वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम अध्याय 10 यानी चैप्टर 10 आंतरिक व्यापार, इसका आज हम भाग 2 अपलोड करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो देखते हैं इस वीडियो को आगे। हमने लास्ट टाइम जीएसटी वगैरह तक तो देख लिया था पिछले वीडियो में। आज हम नेक्स्ट देखते हैं फुटकर व्यापार के प्रकार। फुटकर विक्रेता देखिए दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो भ्रमणशील जो घूम फिर के व्यापार करते हैं फुटकर विक्रेता, और एक स्थायी भी होते हैं जो एक जगह पर शॉप वगैरह बना के अपना काम करते हैं। जैसे भ्रमणशील फुटकर विक्रेता के अंदर बता सकते हैं कि यह अपने सामान के साथ ग्राहक को की तलाश के लिए गली गली एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। विशेषताएं की तो क्या होती हैं कि ये छोटे व्यापारी होते हैं जो सीमित साधनों से कार्य करते हैं। यह सामान्यतः प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कि प्रसाधन, मतलब कि आपका कॉस्मेटिक के आइटम्स होते हैं, फल सब्जियां आदि का भी व्यापार करते हैं। ऐसे व्यापारी ग्राहकों को उनके घर पर वस्तु उपलब्ध कराने की सुविधा पर अधिक ध्यान देते हैं। इनका कोई व्यापारिक नियत स्थान नहीं होता, ये क्योंकि घूमते फिरते रहते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए ये माल का स्टॉक घर में या फिर किसी अन्य स्थान पर रखते हैं। ये निम्न प्रकार के देखे हो सकते हैं फेरी वाले, ये छोटे उत्पादक अथवा मामूली व्यापारी होते हैं जो वस्तुओं को साइकिल, हाथ की ठेली, साइकिल रिक्शा या अपने सर पर रखकर भी बेचते रहते हैं तथा जगह जगह घूमकर ग्राहकों दरवाजे पर जाकर वस्तु का विक्रय करते हैं। क्रय कम मूल्य की वस्तुएं जैसे कि खिलौने, फल सब्जियां, सिले सिलाई कपड़े, गलीचे, खाने की वस्तुएं एवं आइसक्रीम आदि को ये बेचते हैं। आवासीय क्षेत्रों में, गलियों में, प्रदर्शनियों एवं मॉल्स के बाहर या अर्ध अवकाश में विद्यालयों के बाहर भी ये देखी जा सकते हैं, मतलब कि छुट्टी के टाइम पे, रिसेस के टाइम पे जैसे कहते हैं, आधी छुट्टी में इनके लेने देने, इनके लिए इनसे लेन देन करते समय चौकन्ना रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी वस्तु की गुणवत्ता एवं मूल्य विश्वास के योग्य नहीं होता, कुछ भी क्वालिटी के सामान हो सकते हैं। नेक्स्ट है देखो सावधिक बाजार का व्यापारी, ये वे छोटे फुटकर व्यापारी होते हैं जो विभिन्न स्थानों पर निश्चित दिन अथवा तिथि की वही दुकान लगाते हैं, जैसे प्रति शनिवार को या फिर एक शनिवार छोड़कर दूसरे शनिवार को। यह मूलतः कम आय वाले ग्राहकों के लिए माल रखते हैं तथा कम मूल्य की प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं को ही बेचते हैं। पटरी विक्रेता ये ऐसे छोटे विक्रेता होते हैं जो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ लोगों को का भारी आवागमन रहता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड वगैरह हो गए, जैसे कि स्टेशनरी का सामान, खाने पीने की चीज़ें, तैयार वस्त्र, समाचार पत्र एवं मैगजीन वगैरह भी बेचते हैं। ये अपने बिक्री के स्थान को आसानी से बदलते रहते हैं। सस्ते दर के दुकान जैसे कि किसी व्यवसायिक क्षेत्र में स्वतंत्र अस्थायी दुकान होती है, ये अपने व्यापार को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान में वहाँ की संभावनाओं को देखते हुए बदलते रहते हैं, लेकिन ये फेरी वाले या बाजार विक्रेताओं के समान शीघ्रता से नहीं बदलते। स्थायी दुकानदार देखो कौन से होते हैं, ये विक्रय के लिए स्थायी रूप से स्थान संस्थान है, जो मतलब एक ही जगह पर रुक के व्यापार करते दुकान खोलकर। कुछ और विशेषताएँ निम्नलिखित है, जैसे कि इनके पास अधिक संसाधन होते हैं तथा ये अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर ही कार्य करते हैं। ये बहुत छोटे आकार से लेकर बहुत बड़े आकार तक के भी हो सकते हैं। ये विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते हैं जो उपभोग योग्य टिकाऊ भी हो सकती हैं एवं गैर टिकाऊ भी हो सकती है, मतलब ज़्यादा चलने वाली या कम चलने वाली भी वस्तुएं हो सकती है। ग्राहकों में इनकी अधिक साख होती है। ये ग्राहकों को वस्तुओं को घर पहुंचाना, गारंटी प्रदान करना, मरम्मत, उधार की बिक्री दे देना, अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध कराना जैसी अनेकों सेवाएं प्रदान करते हैं। परिचालन आकार के आधार पर स्थायी दुकानदार मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं, छोटे दुकानदार एवं बड़े दुकानदार भी हो सकते हैं। छोटे स्थायी फुटकर विक्रेता कौन से होते हैं, जैसे कि जनरल स्टोर, ये आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं की प्रतिदिन आवश्यकता वाली वस्तुओं की बिक्री करते हैं। इन स्टोर्स पर सबसे बड़ा लाभ इनसे ग्राहकों को सुविधा होती है, सुविधा होना है प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे कि परचून की वस्तुएं, पेय पदार्थ, प्रसाधन का सामान, मतलब कि जो कॉस्मेटिक आइटम्स होती है, स्टेशनरी एवं मिठाइयां खरीदना सुविधाजनक रहता है, इसलिए उनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान दुकानदार की छवि, मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ग्राहकों से बात करने का तरीका कैसा है, ग्राहकों के साथ उनके तालमेल पर ही निर्भर होता है। विशिष्टीकृत भंडार भी होते हैं, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विक्रय ना कर एक ही प्रकार की वस्तुओं की बिक्री करते हैं तथा यह विशेषज्ञ भी होते हैं। बच्चों के लिए सिले सिलाई वस्त्र बेचने वाली दुकानें या फिर पुरुषों के वस्त्र, महिलाओं के जूते, खिलौने एवं बाहर की वस्तुएँ, स्कूल की यूनिफॉर्म, कॉलेज की पुस्तकें या फिर
उपभोक्ताओं की इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आदि की दुकानें। विशेष वस्तुओं की दुकानें साधारणतः केंद्रीय स्थल पर स्थित होती है, मतलब एक सेंट्रल लोकेशन पर होती है, जहाँ पर बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं। गली में स्टॉल लगा कर ये छोटे विक्रेता गली के मुहाने पर, मतलब गली के किनारे पर, या गली की जहाँ शुरुआत होती है वहाँ पर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ही होते हैं। होजरी की वस्तुएँ या फिर खिलौने, सिगरेट, पेय पदार्थ आदि सस्ती वस्तुएँ ही ये बेचते हैं। इनकी पहुंच बहुत ही सीमित क्षेत्र तक होती है, इसलिए ये बहुत ही छोटे पैमाने पर व्यापार करते हैं। पुरानी वस्तुओं की दुकानें जैसे कि पहले ही उपयोग की गई वस्तुओं की बिक्री करती हैं, जैसे कि पुस्तकें, कपड़े, मोटर कारें, फर्नीचर एवं अन्य घरेलू सामान। यहाँ वस्तुएं कम मूल्य पर प्राप्त होती है। ये दुकानदार ऐतिहासिक महत्व की दुर्लभ वस्तुएँ एवं पुरानी वस्तुओं भी रखते हैं तथा उन लोगों को भारी मूल्य पर बेचते हैं जिनको इन पुरानी वस्तुओं में रुचि होती है। ये छोटे स्टॉल होते हैं जिनमें एक मेज अथवा फट्टे पर बिक्री की जाने की वस्तुएं सजाई जाती है। कुछ का अच्छा संस्थान ढांचा होता है, जैसे कि फर्नीचर विक्रेता अथवा पुरानी कार, स्कूटर एवं मोटरसाइकिल के विक्रेता। एक वस्तु के भंडार जैसे कि एक ही श्रेणी की वस्तुओं का विक्रय करते हैं, जैसे कि पहनने के तैयार वस्त्र, घड़ियाँ, जूते, कारें, टायर, कंप्यूटर, पुस्तकें, स्टेशनरी आदि। इनमें से अधिकांश स्वतंत्र फुटकर बिक्री संगठन होते हैं जो एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी फर्म के रूप में भी चलाए जाते हैं। स्थायी दुकानें बड़े पैमाने के भंडार गृह होते हैं, विभागीय भंडार होते हैं, जैसे कि इनका उद्देश्य ग्राहक की लगभग प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति एक ही छत के नीचे करना होता है। यह एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की वस्तुओं को क्रय करते हैं, पिन से लेकर विशालकाय वस्तुओं का भी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। भारत में इस श्रेणी के कुछ भंडार है, जैसे कि अकबर अली तथा शियाकारी भंडार जो मुंबई में, तथा स्पेंसर्स चेन्नई में हैं। विभागीय भंडार की विशेषता देखिए क्या होती है। आधुनिक विभागीय भंडार जलपान गृह, यात्रा एवं सूचना ब्यूरो, टेलीफोन बूथ, विश्राम गृह आदि सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये उच्च श्रेणी के ग्राहकों को अधिकतम सेवाएं प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं, जिनके लिए मूल्य द्वितीय महत्व की बात होती है, मतलब उनके लिए मूल्य पैसे की, मतलब बार्गेनिंग करने वाले कस्टमर्स नहीं होते वो। ये भंडार साधारणतः शहर के केंद्र में स्थित होते हैं जहां बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं। ये भंडार बहुत बड़े होते हैं, इसलिए ये संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में होते हैं तथा इनका प्रबंधन निदेशक मंडल करता है, जिनकी सहायता जनरल मैनेजर एवं अन्य विभागीय प्रबंधक करते हैं। विभागीय भंडार फुटकर विक्रेता की भी होते हैं एवं भंडार गृह भी ये माल सीधे उत्पादन से खरीदते हैं तथा इनके अपने अलग भंडार गृह भी होते हैं। इनके माल के क्रय की केंद्रीय व्यवस्था होती है। एक विभागीय भंडार में इसका क्रय विभाग ही पूरे माल का क्रय करता है, जबकि विक्रय विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जाता है। इसके लाभ क्या है? बड़ी संख्या में ग्राहकों की आकर्षित करता है। दिन में अधिकांश समय में बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं, क्रय करना सुगम हो जाता है। ग्राहकों को एक ही स्थान पर अपनी आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएं प्रदान करने में सुविधा मिल जाती है। आकर्षक सेवाएं प्रदान करते हैं। इसकी कुछ सेवाएं इस प्रकार है, जैसे कि वस्तुओं की घर पर सुपुर्दगी करना, टेलीफोन पर प्राप्त आदेश का क्रियान्वयन करना, विश्राम गृहों की व्यवस्था करना, टेलीफोन बूथ, बड़े पैमाने पर परिचालन के लाभ देखिए क्या होते हैं। इसमें इन्हें बड़े पैमाने पर परिचालन के लाभ मिलते हैं, विशेष रूप से वस्तुओं के क्रय के संबंध में भी। विक्रय में वृद्धि, काफ़ी धन विज्ञापन एवं अन्य संवर्धन क्रियाओं पर व्यय करने की स्थिति में होते हैं। इनकी सीमाएँ देखिए क्या होती है। व्यक्तिगत ध्यान का अभाव, बड़े पैमाने पर क्रियाओं के कारण विभागीय भंडार में ग्राहकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना कठिन हो जाता है। उच्च परिचालन लागत हुई थी, जैसे कि इनकी परिचालन लागत भी अधिक होती है। इन खर्चों के कारण वस्तुओं का मूल्य भी अधिक होता है। यह मूल्य कम आय वर्ग के लोगों को आकर्षित नहीं करता है। हानि की संभावना, परिचालन की ऊँची लागत एवं बड़े पैमाने पर कार्य करने के कारण एक विभागीय भंडार में होने में हानि होने की संभावना अधिक होती है। स्टॉक में एकत्रित भारी मात्रा में फैशन से बाहर हो गई वस्तुओं की बिक्री घटी दरों पर की जाती है। असुविधाजनक स्थिति में, जैसे कि यदि किसी वस्तु की तुरंत आवश्यकता हो तो यहां से खरीदना आसान नहीं होता। श्रृंखला भंडार अथवा बहुसंख्यक दुकानों का फैला हुआ जाल, जिनका स्वामित्व एवं परिचालन उत्पादक करता या मध्यस्थ करते हैं।
एक जैसी दिखने वाली कई दुकानें देश के विभिन्न भागों में विभिन्न स्थानों पर खोली जाती हैं। इन दुकानों को एक ही संगठन चलाता है तथा इनके व्यापार की व्यूह रचना भी एक जैसी ही होती है तथा एक तरह की वस्तुओं का ही प्रदर्शन होता है। महत्वपूर्ण विशेषता देखो नीचे दी गई, जैसे कि ये दुकानें बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थित होती है जहाँ काफ़ी संख्या में ग्राहक मिल जाते हैं। इनकी भावना ग्राहकों को अपने आवास उनके आवास अथवा कार्यस्थल के समीप सेवाएं प्रदान करना है, ना कि उनको एक केंद्रीय स्थान पर आमंत्रित करना। सभी फुटकर इकाइयों के लिए उत्पादन अथवा क्रय करना मुख्यालय में केंद्रित होता है, जहां से इन्हें विभिन्न दुकानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार भेज दिया जाता है। प्रत्येक दुकान का प्रबंधन एवं शाखा प्रबंधक करता है, जो दिन प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करता है। यह बिक्री, नगद जमा एवं माल की आवश्यकता के संबंध में प्रतिदिन की सूचना मुख्यालय में भेजता है। मुख्यालय की सभी शाखाओं का नियंत्रण करता है तथा नीति निर्धारण कर उनका क्रियान्वयन करता है। इन दुकानों पर वस्तुओं का मूल्य एवं मूल्य एक ही होता है तथा सभी विक्रय नगद होता है। प्रधान कार्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति करता है, जो दुकानों पर ग्राहकों को प्रतिदिन की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, प्रधान कार्यालय की नीतियों का सम्मान आदि का निरीक्षण करते हैं। श्रृंखला भंडार ऐसी वस्तुओं के व्यापार का प्रभावी ढंग से संचालन करते हैं जिनकी बिक्री बड़ी मात्रा में एवं पूरे वर्ष एक समान रहती है। भारत में बाटा के जूतों की दुकान इसका एक लाक्षणिक उदाहरण भी हो सकता है। इसके देखिए लाभ क्या होते हैं। बड़े पैमाने की मितव्ययता मिलती है इनको। केंद्रीकृत क्रय उत्पादन के कारण बहुसंख्यक दुकानों के संगठन को बड़े पैमाने की मितव्ययता का लाभ भी मिलता है। मध्यस्थ की समाप्ति हो जाती है। बहुसंख्यक दुकानें शोध ग्रह को माल बेचती है, इसलिए वस्तु एवं सेवाओं के विक्रय में अनावश्यक मध्यस्थों की स्थापना की समाप्ति भी हो जाती है। कोई अशोध्य ऋण नहीं लगता इन दुकानों पर, क्योंकि माल का विक्रय नगद होता है, इसलिए अशोध्य ऋणों के रूप में कोई हानि नहीं होती। वस्तुओं का हस्तांतरण, यदि वस्तुओं की किसी एक स्थान पर मांग नहीं है तो उन्हें अन्य क्षेत्रों में भेज दिया जाता है जहां इनकी मांग होती है। इसके कारण इन दुकानों पर निष्क्रिय स्टॉक की संभावना भी कम हो जाती है। ऐसा स्टॉक जो डेड हो जाता है, ऐसा इनके पास कमी रहता है। जोखिम का बिखराव, एक दुकान की हानि की पूर्ति दूसरी दुकान के लाभ से हो जाती है, जिससे संगठन की कुल जोखिम भी कम हो जाती है। निम्न लागत, क्रय की का केंद्रीकरण, मध्यस्थों की समाप्ति, केंद्रीय बिक्री संवर्धन एवं अधिक बिक्री के कारण बहुसंख्यक दुकानों का व्यापार कम लागत पर होता है। लोचतापूर्ण, इस पद्धति में यदि कोई दुकान लाभ नहीं कमा रही है तो प्रबंधक इसे बंद कर सकते हैं अथवा इसे किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी कर सकते हैं। हानियां देखिए क्या होती है। वस्तुओं का चयन सीमित, बहुसंख्यक दुकानें सीमित उत्पादन की किस्मों में व्यापार करती है, जिसके विपणनकर्ता स्वयं ही उत्पादन करते हैं, मतलब खुद ही उत्पादन करते हैं। ये अन्य उत्पादकों का माल नहीं बेचते। इस प्रकार से उपभोक्ताओं के सम्मुख चयन के अवसर भी सीमित ही होते हैं। प्रेरणा का अभाव, जैसे कि प्रधान कार्यालय से प्राप्त आदेशों का पालन करता है, इससे वे सभी मामलों में प्रधान कार्यालय के दिशा निर्देशों के आदि हो जाते हैं। इससे उनकी पहल क्षमता समाप्त हो जाती है तथा वह अपनी सृजनात्मकता, मतलब कि जो नया कुछ करने की जो चाह होती है, प्रवीणता का ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उपयोग नहीं करते हैं। व्यक्तिगत सेवा का अभाव, कर्मचारियों के कारण व प्रेरणा के अभाव में उनमें उदासीनता आ जाती है तथा व्यक्तिगत सेवा का अभाव भी हो जाता है। मांग में परिवर्तन, यदि उनकी मांगों में तेजी से परिवर्तन आ जाता है तो संगठन को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि केंद्रीय भंडार में बड़ी मात्रा में बिना बिका हुआ माल बेचा जाता है। विभागीय भंडार एवं बहुसंख्यक दुकानों में अंतर देखिए क्या होती है। स्थिति, विभागीय भंडार किसी केंद्रीय स्थान पर स्थित होते हैं जहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं, जबकि बहुसंख्यक दुकानें अलग अलग स्थानों पर स्थित होती है जहाँ बड़ी संख्या में ग्राहक पहुँचते हैं। उत्पादों की श्रेणी, विभागीय भंडार का उद्देश्य एक छत के नीचे ग्राहकों की सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना है। यह विभिन्न प्रकार के अलग अलग उत्पादों का विक्रय करते हैं, जबकि बहुसंख्यक दुकानों का उद्देश्य किसी वस्तु की विभिन्न किस्मों की ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूर्ति करना है। प्रदत्त सेवाएं, विभागीय भंडार अपने ग्राहकों को अधिकतम सेवाएं प्रदान करने का पर जोर देते हैं, जिनमें कुछ है डाकघर, जलपान गृह आदि। इसके विपरीत विभिन्न बहुसंख्यक दुकानें सीमित सेवाएं ही प्रदान करती हैं, जैसे कि
वस्तुओं में यदि किसी प्रकार की कमी है तो उसकी गारंटी एवं मरम्मत। कीमतें और मूल्य, बहुसंख्यक दुकानें निर्धारित मूल्य पर माल बेचती है तथा उनकी सभी दुकानों पर एक ही मूल्य रहता है। विभागीय भंडारों में सभी विभागों में मूल्य नीति का समान नहीं होती है। ग्राहकों का वर्ग, विभागीय भंडार अधिकांश रूप से उच्च आय वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जबकि जो सेवाएं चाहते हैं तथा मूल्य की परवाह नहीं करते। दूसरी ओर बहुसंख्यक दुकानें ग्राहकों के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, जिनमें कम आय वर्ग भी हैं जो कम कीमत पर गुणवत्ता वाली वस्तुओं में रुचि रखते हैं। उधार की सुविधा, बहुसंख्यक दुकानों में सभी बिक्री पूर्णतः नकद होती है, इसमें कोई उधार का प्रोविजन ही नहीं होता। इसके विपरीत विभागीय भंडार अपने कुछ नियमित ग्राहकों को उधार की भी देते हैं। लोचपूर्ण, विभागीय भंडार बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते हैं तथा विक्रय उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के कारण वस्तुओं में लचीलापन पाया जाता है। श्रृंखला भंडारों में लोचपूर्ण की संभावना नहीं होती, क्योंकि यह सीमित श्रेणी की वस्तुओं का ही व्यापार करते हैं। डाक आदेश क्रय, देखिए ये भी एक तरह का होता है, ये वो फुटकर विक्रेता होते हैं जो डाक द्वारा वस्तुओं का विक्रय करते हैं। आदेश प्राप्त करने के लिए यह संभावित ग्राहकों से समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं में विज्ञापन, परिपत्र, अनुसूची, नमूने एवं बिल एवं मूल्य सूची जो उन्हें डाक से भेजे जाते हैं के द्वारा संपर्क बनाते हैं। विज्ञापन में वस्तुओं के संबंध में सभी आवश्यक सूचनाएं, जैसे कि मूल्य, प्रकृति, सपुर्दगी की शर्तें, भुगतान की शर्तें आदि का वर्णन किया जाता है। आदेश प्राप्ति के पश्चात वस्तुओं की ग्राहक द्वारा जिन बातों की जानकारी मांगी जाती है उसके अनुसार जाँच की जाती है तथा उनका डाक के माध्यम से पालन किया जाता है। प्रथम ग्राहकों से पूरा भुगतान अग्रिम मांगा जाता है। द्वितीय, वस्तुओं की को मूल्य दे डाक द्वारा भेजा जा सकता है, कि मतलब वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी जिसे हम कहते हैं। तीसरे, वस्तुएं बैंक के माध्यम से भेजी जा सकती है तथा उन्हें वस्तुओं को ग्राहकों के सपुर्दगी का निर्देश दिया जाता है। इस प्रकार का व्यापार सभी प्रकार के उत्पादों के लिए उपयुक्त नहीं होता। उदाहरण के लिए जो वस्तुएं शीघ्र नष्ट हो जाती है अथवा वजन में भारी है तथा उन्हें सरलता से उठाना और रखना संभव नहीं है, उनका डाक द्वारा व्यापार केवल वही वस्तुएं कर सकते हैं, जैसे कि जिनका श्रेणीकरण एवं मानवीयकरण हो सकता है, जिन्हें कम लागत पर ले जाया जा सकता है, जिनकी बाजार में मांग है, जो पूरे वर्ष बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनमें बाजार में न्यूनतम प्रतियोगिता भी कम हो, जिनका चित्र आदि के द्वारा वर्णन किया जा सकता है इत्यादि। डाक द्वारा व्यापार तभी सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है कि जबकि शिक्षा का पर्याप्त प्रचार और प्रसार हो, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों तक ही विज्ञापन एवं अन्य प्रकार के लिखित संप्रेक्षण के माध्यम से पहुंच सकता है। इसके लाभ देखिए क्या है, सीमित पूंजी की आवश्यकता, डाक व्यापार में भवन तथा अन्य आधारगत ढांचे पर भारी व्यय की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे तुलना में कम पूंजी वाले प्रारंभ से भी प्रारंभ किया जा सकता है। मध्यस्थों की समाप्ति, उपभोक्ता की दृष्टि से डाक द्वारा व्यापार का सबसे बड़ा लाभ है कि विक्रेता एवं क्रेता के बीच में अनावश्यक मध्यस्थ की समाप्ति हो जाती है, इससे क्रेता एवं विक्रेता दोनों की ही बचत होती है। विस्तृत क्षेत्र, मतलब कि इस पद्धति में हर उन स्थानों पर माल भेजा जाता है जहां डाक सेवाएं उपलब्ध है। इस प्रकार से डाक द्वारा पूरे देश में बड़ी संख्या में लोगों को माल भेजा जा सकता है, जिससे व्यवसाय का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। अशोध्य ऋण संभव नहीं, डाक द्वारा ग्राहकों को माल उधार नहीं बेचा जाता, इसलिए ग्राहकों के द्वारा माल का भुगतान ना करने से अशोध्य ऋणों की संभावना नहीं है। सुविधा, इस पद्धति में वस्तुओं की ग्राहकों के घर पर सुपुर्दगी कर दी जाती है, इसलिए इससे ग्राहकों द्वारा वस्तुओं का क्रय करना सुविधाजनक भी हो जाता है। इसकी सीमाएं क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, व्यक्तिगत संपर्क की कमी, डाक द्वारा व्यापार में विक्रेता एवं क्रेता के बीच में व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाता है। इसके अलावा क्रेता क्रय से पहले वस्तुओं की जांच नहीं कर सकते तथा वस्तुओं तथा विक्रेताओं पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे सकते एवं सूची पत्रों एवं विज्ञापन के द्वारा उनकी शंकाओं का समाधान नहीं कर सकते। उच्च परिवर्तन लागत, डाक द्वारा व्यापार से संभावित ग्राहकों की को सूचित करने एवं वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए विज्ञापन एवं परिवर्तन के अन्य साधनों पर बहुत अधिक निर्भर किया जाता है। बिक्री के बाद की सेवा का अभाव, कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता, परिणामस्वरूप बिक्री के बाद की सेवाएँ प्रदान नहीं की जा सकती जो कि ग्राहकों की
संतुष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। उधार की सुविधा की कभी डाक आदेश ग्रह क्रेताओं को उधार की सुविधा प्रदान नहीं करते, इसलिए सीमित साधन वाले व्यक्ति इस प्रकार के व्यापार में रुचि नहीं लेते। सपुर्दगी में विलंब डाक द्वारा आदेश प्राप्त करने एवं उनके क्रियान्वयन में एक समय लगता है, अतः ग्राहकों को माल की सपुर्दगी समय पर नहीं मिल पाती। दुरुपयोग की संभावना भी हो सकती है। इस प्रकार के व्यापार में बेईमान व्यापारियों द्वारा धोखा दिए जाने की भी अधिक संभावना रहती है। यह उत्पाद के विषय में झूठे दावे करते हैं तथा फिर विज्ञापन एवं इश्तिहार में किए गए वादों को पूरा भी नहीं करते हैं। डाक सेवाओं पर अधिक निर्भरता। डाक सेवाओं की उपलब्धता पर बहुत अधिक निर्भर करती है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहाँ बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ डाक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। उपभोक्ता सहकारी भंडार एक ऐसा संगठन है जिसके उपभोक्ता स्वामी स्वयं ही होते हैं तथा वही उनका प्रबंध एवं नियंत्रण करते हैं। इन भंडारों का उद्देश्य मध्यस्थों की संख्या को कम करना, जो उत्पाद की लागत को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से यह सदस्यों की सेवा करते हैं। साधारणतः यह वस्तुओं को सीधे उत्पादक थोक विक्रेता से बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं तथा उन्हें उपभोक्ताओं को उचित दर पर बेचते हैं, क्योंकि मध्यस्थ या तो समाप्त हो गए होते हैं या फिर कम हो गए होते हैं। सदस्यों की अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो जाती हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार को स्थापित करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है तथा एक स्वैच्छिक संगठन की स्थापना कर सहकारी सीमित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करना पड़ता है। इन भंडारों का प्रबंध जनतांत्रिक पद्धति से चुनी गई एक प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है तथा इनमें एक व्यक्ति वोट के नियम का पालन होता है। कोषों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए इन भंडारों के खातों का सहकारी समिति रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा अंकेक्षण भी किया जाता है। लाभ देखिए क्या होते हैं। स्थापना सरल होती है। एक उपभोक्ता सहकारी समिति का गठन सरल होता है। कोई भी 10 व्यक्ति एकजुट होकर एक स्वैच्छिक संगठन बना सकते हैं तथा कुछ औपचारिकताओं को पूरा कर सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के पास जाकर एक पंजीकरण भी अपना करा सकते हैं। सीमित दायित्व। सहकारी भंडार के प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसकी पूंजी तक ही सीमित होता है। यदि समिति की देयता उसकी परिसंपत्तियों से अधिक होती है तो समिति के ऋणों के भुगतान के लिए उसकी पूंजी से अधिक राशि के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता, मतलब उसके पर्सनल प्रॉपर्टीज को नहीं बेचा जाएगा। प्रजातांत्रिक प्रबंध। सहकारी समिति का प्रबंध इसके सदस्यों के द्वारा चुनी गई प्रबंध समिति द्वारा प्रजातांत्रिक ढंग से किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होता है, भले ही उसके पास कितने भी शेयर हों। कम कीमत। सहकारी भंडार उत्पादों एवं थोक विक्रेताओं के से सीधे माल का क्रय करते हैं तथा उसे सदस्यों एवं अन्य लोगों को बेचते हैं। नगद बिक्री। प्राय उपभोक्ता सहकारी भंडार वस्तुओं का नगद विक्रय करते हैं, परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है। सुविधाजनक स्थिति। उपभोक्ता सहकारी भंडार सुविधा के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर खोले जाते हैं, जहाँ से सदस्य एवं अन्य लोग सुगमतापूर्वक अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को क्रय कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ सीमाएं भी हैं। प्रेरणा का अभाव। सहकारी भंडारों का प्रबंध जिन लोगों द्वारा किया जाता है वे अवैतनिक होते हैं, इसलिए इन लोगों से में अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए पहल एवं अभिप्रेरणा की कमी होती है। कोषों की कमी। सहकारी भंडार के लिए धन इकट्ठा करने का मूल स्रोत सदस्यों से अंशों का निर्गम होता है, मतलब कि शेयर चाहिए वो ले सकते हैं पैसे। इनके सदस्य सीमित संख्या में होते हैं, इसलिए साधारणतः इनके पास धन की कमी ही रहती है। संरक्षण का अभाव। प्राय सहकारी भंडारों के सदस्य नियमित रूप से इनको संरक्षण प्रदान नहीं करते, इसलिए उनका सफलतापूर्ण परिचालन भी नहीं हो पाता। व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव। जिन लोगों को सहकारी भंडारों का प्रबंध कर सौंपा जाता है उनमें विशेषज्ञता का अभाव होता है, क्योंकि उन्हें भंडार को सुचारू रूप से चलाने की प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। सुपर बाजार ये भी एक टाइप का है। इसमें एक बड़ी फुटकर व्यापारी संस्था होती है जो कम लाभ पर अनेकों प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करते हैं।
इनमें स्वयं सेवा, आवश्यकता अनुसार चयन एवं भारी विक्रय का आकर्षण होता है। इनमें अधिकांश खाद्य सामग्री एवं अन्य कम मूल्य की वस्तुएं ब्रांड वाली एवं बहुतायत में उपयोग में आने वाली उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कि परचून, बर्तन, कपड़े, बिजली के उपकरण, घरेलू सामान एवं दवाइयों का विक्रय किया जाता है। उपभोक्ता भंडार में घुसकर अपनी आवश्यकता की वस्तु को चुन सकते हैं तथा उन्हें फिर नकद पटल पर लाते हैं तथा भुगतान कर उन्हें घर ले जाते हैं, मतलब कि क्रैश करवा के कैश की पेमेंट करके उनको घर पे ले जा सकते हैं। ये ग्राहकों को वस्तुओं की गुणवत्ता आदि के संबंध में विश्वास दिलाने के लिए विक्रेताओं की नियुक्ति भी नहीं करते हैं। सुपर बाजार की कुछ विशेषताएं क्या है? सुपर बाजार सामान्यतः हर प्रकार की खाद्य सामग्री एवं परचून सामग्री को जो गैर खाद्य आवश्यकता की वस्तुओं के अतिरिक्त होती है उनकी बिक्री करते हैं। ऐसे बाजारों में क्रेता आवश्यक वस्तुओं का क्रय एक ही छत के नीचे कर सकते हैं। सुपर बाजार एवं सेवा के सिद्धांत पर चलाए जाते हैं, सहज सेवा के सिद्धांत पर चलाए जाते हैं, इसलिए इनकी वितरण लागत भी कम होती है। निम्न परिचालन लागत, बड़ी मात्रा में क्रय एवं लाभ, कम लाभ के कारण अन्य फुटकर भंडारों की तुलना में यहाँ वस्तुओं की कीमत भी कम होती है। वस्तुओं को केवल नकद बेचा जाता है। सुपर बाजार साधारणतः केंद्रीय स्थानों पर स्थित होते हैं जहाँ इनकी बिक्री बहुत अधिक होती है। लाभ देखिए क्या होते हैं, एक ही छत पर कम लागत लागत भी कम होती है। इन बिक्री केंद्रों में विक्रेता न केवल सुविधापूर्ण क्रय कर सकते हैं बल्कि एक मितव्यय भी होता है, पैसे ही बचते हैं उसके। केंद्र में स्थित सुपर बाजार साधारणतः शहर के मध्य में स्थित होते हैं, परिणामस्वरूप यह आसपास के क्षेत्र के लोगों को की पहुंच में होते हैं। चयन में भारी अवसर, सुपर बाजार में विभिन्न डिजाइन, रंग आदि की अनेक वस्तुएं उपलब्ध होती है जिससे क्रेता सुगमतापूर्वक भली भांति चयन कर सकते हैं। कोई अशुद्ध ऋण भी नहीं होता, माल का विक्रय नकद किया जाता है, इसलिए सुपर बाजार में अशुद्ध ऋण भी नहीं होते। बड़े स्तर के लाभ, सुपर बाजार बड़े पैमाने के फुटकर विक्रय भंडार होते हैं, इसे बड़े पैमाने के क्रय एवं विक्रय के सभी लाभ मिलते हैं जिसके कारण इसकी प्रचालन लागत भी कम होती है। सिवाय देखिए क्या है, उधार विक्रय नहीं होता, सुपर बाजार अपनी वस्तुओं के केवल नकद विक्रय करते हैं, इससे उधार क्रय की सुविधा भी कम होती है। व्यक्तिगत धन की कमी, ग्राहकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जाता, व्यक्तिगत ध्यान की कमी भी की जाती है कि मतलब कि ग्राहकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जाता, परिणामस्वरूप जिन वस्तुओं एवं विक्रेताओं पर व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है इनका प्रभावित भी विक्रय सुपर बाजार में संभव नहीं है। वस्तुओं की अव्यवस्थित देखरेख मतलब कि अव्यवस्थित हो जाती है, कुछ ग्राहक शेल्फ में रखी वस्तुओं के साथ लापरवाही दिखाते हैं, सुपर बाजार को भारी हानि उठानी पड़ती है। भारी ऊपरी व्यय, सुपर बाजार में भारी ऊपरी व्यय होता है, इसके कारण यह ग्राहकों को कम लागत कम कीमत पर माल नहीं बेच सकते। भारी पूंजी की आवश्यकता, एक सुपर बाजार की स्थापना एवं परिचालन के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है, ये केवल बड़े शहरों में ही संभव है, छोटे कस्बों में नहीं किया जाता। विक्रय मशीनें भी देखिए आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है, मशीन में सिक्का डालते हैं और मशीन अपनी बिक्री का काम शुरू कर देती है, इसके माध्यम से अनेक वस्तुओं का विक्रय किया जाता है जैसे कि गर्म पेय पदार्थ, प्लेटफॉर्म टिकटें, दूध, सिगरेट एवं पेय पदार्थ, चॉकलेट, समाचार पत्र आदि। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM जो बैंकिंग सेवा प्रदान कर रही है ये भी इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है इन मशीनों में बैंकिंग की अवधारणा को ही बदल दिया है तथा अब बिना किसी शाखा जाए रुपया इन मशीनों की मदद से आसानी से निकाला जा सकता है। ऐसी मशीनों को लगाने पर प्रारंभिक व्यय एवं इसमें नियमित रखरखाव तथा मरम्मत का भारी व्यय करना पड़ता है तथा ग्राहक वस्तु को क्रय करने के से पहले उसका निरीक्षण नहीं कर सकते। यदि वस्तुओं को आवश्यकता नहीं है तो उन्हें वापस लौटाया भी नहीं जा सकता इन मशीनों में। वाणिज्यिक एवं उद्योग संगठनों की आंतरिक व्यापार संवर्धन में भूमिका क्या होती है? देखिए व्यापार एवं औद्योगिक संसाधनों का गठन समस्त व्यवसायों के हितों एवं लक्ष्यों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए किया गया है। उदाहरणतः जैसे कि ASICOM है और ये C22 है, CIA है, FICCI। ये संस्थाएं व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में अपने आप को राष्ट्रीय संरक्षण के रूप में प्रस्तुत करती हैं। ये संगठन आंतरिक व्यापार को पूर्णतः अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग एवं सशक्त बनाने में उत्प्रेरक की भूमिका भी अदा कर रहा है। इसके अतिरिक्त चैम्बर का लक्ष्य एक दृढ़ बुनियादी ढांचा खड़ा करना एवं एक ढांचे को सरल बनाना एवं एक रूपता प्रदान करना है। इसका हस्तक्षेप मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में है।
परिवहन अथवा वस्तुओं का अंतर्राज्यीय संस्थानांतरण आवागमन वाणिज्य एवं उद्योग मंडल वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचलन से संबंधित अनेकों क्रियाओं में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि वाहनों एवं पंजीयन, वाहनों का पंजीयन कराना रजिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, सड़क एवं रेल परिवहन नीतियाँ, राज्य मार्ग एवं सड़कों का निर्माण आदि। इसके उदाहरण जैसे कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों का महासंघ फिक्की एक वार्षिक साधारण सभा के निर्माण की घोषणा आंतरिक व्यापार को सुगम बनाएगी। चूंकि एवं स्थानीय कर स्थानीय सरकार का महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है, यह राज्य अथवा नगर की सीमाओं में प्रवेश कर रही वस्तुओं एवं लोगों में से वसूल कर लिए जाते हैं। बिक्री का ढांचा एवं मूल्य संबंधित कर में एकरूपता वाणिज्यिक एवं विभिन्न राज्यों में बिक्री कर ढांचे में एकरूपता लाने के लिए सरकार से बातचीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिक्री कर राज्य राजस्व का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। सरकार की नई नीति के अनुसार बिक्री कर के असंतुलन पैदा करने के प्रभाव को दूर करने के लिए इसके स्थान पर मूल्य संबंधित कर लगाया जा रहा है। कृषि उत्पादों के विपणन एवं इससे जुड़ी सेवाएं, जैसे कि कृषि उत्पादों की बिक्री, उत्पादों की बिक्री करने वाले संगठनों को विपणन नीतियों एवं स्थानीय सहायता को चुस्त बनाने के लिए कुछ क्षेत्र है जिनमें वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संघ हस्तक्षेप कर सकते हैं, एवं कृषि सहकारी समितियों जैसी संबंधित एजेंसियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा माप तोल एवं ब्रांड वस्तुओं की नकल रोकना, जैसे कि वाणिज्यिक एवं उद्योग संघ सरकार से ऐसे कानून बनाने के लिए बातचीत करते हैं तथा कानून एवं नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं। उत्पादन कर भी लगता है, जैसे कि मूल्य निर्धारण तंत्र में उत्पादन कर नीति की अहम भूमिका होती है, इसलिए व्यापार संगठनों के लिए उत्पादन कर को एक सूत्र में लाने के लिए सरकार से बातचीत करना आवश्यक होता है। सुदृढ़ मूल ढांचे का प्रवर्तन, जैसे कि सड़क, बंदरगाह, बिजली, रेल आदि व्यापार संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाणिज्य संघों को सरकार के साथ मिलकर भारी निवेश प्रयोजनों को लेना होगा। श्रम कानून, वाणिज्यिक संघों एवं सरकार के बीच श्रम संख्या में कटौती जैसी समस्याओं पर बातचीत होती रहती है। तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन चैप्टर इजी था और थोड़ा सा सेकंड पार्ट में मैंने पूरा डिस्क्राइब करना चाहा। अगर देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।